अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर इन किचन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं रवा की फलियाँ, इनको ग्रीन बीन्स भी कहते हैं, हरी फलियाँ भी कहते हैं। हम ग्रीन बीन्स के सीड्स बना रहे हैं। ये रवा की फलियाँ लोबिया की ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये एक बहुत हाई प्रोटीन डाइट है, ये बहुत हेल्दी डाइट है। हमने लिए हैं 800 ग्राम गोश्त और 1200 ग्राम रवा की फलियाँ। आप चाहें तो इनको बग़ैर गोश्त के भी बना सकते हैं, चिकन में बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं, कीमे में बना सकते हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फलियाँ एक हाई प्रोटीन डाइट हैं और इसके साथ जब हम गोश्त ऐड करते हैं किसी भी फॉर्म में तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डबल हो जाती है। इसके इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए हैं 3 से 4 बारीक कटे हुए प्याज, 4 टमाटरों का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज़, रेड चिली, सॉल्ट, हल्दी और गरम मसाला पाउडर। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर के अंदर आप 2 कप ऑयल में सारे प्याज गोल्डन ब्राउन करके इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे मसाला जात ऐड कर लें। चंद सेकंड भूनने के बाद इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड करें। गोश्त और तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड करके अब प्रेशर कुकर को तकरीबन आधे घंटे के लिए बंद कर दें। ठीक आधे घंटे बाद कुकर को खोलें और गोश्त को अच्छी तरह से भून लें और गोश्त के भुन जाने के साथ ही इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लें। ग्रीन चिलीज़ के ऐड करने से गोश्त में एक बहुत अच्छा एरोमा आपको मिलेगा और गोश्त की अपनी हीक ख़त्म हो जाएगी। गोश्त के भुन जाने पर गोश्त को आप डिश आउट कर लें। मसाला कुकर में ही रहने दें क्योंकि इसी मसाले को यूज़ करते हुए हम बीन्स को कुक करेंगे। अब फलियों को गोश्त के उसी मसाले में डाल के 1 लीटर पानी इसमें ऐड करते हैं और प्रेशर कुकर को मज़ीद आधे घंटे के लिए बंद करते हैं। आधे घंटे बाद कुकर को खोल के आप चेक करें, अगर आपकी बीन्स गल चुकी हैं तो इसमें गोश्त ऐड कर दें, वरना इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के आप 5 से 10 मिनट के लिए कुकर को मज़ीद बंद कर सकते हैं। अब हमारी हाई प्रोटीन रवा की फलियां और गोश्त तैयार है। इसको थोड़ा सा पकाएं, थोड़ा सा दम लगाएं, गार्निश करें, डिश आउट करें और इन्जॉय करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें फीडबैक दें। लेट अस नो कि आपको कौन सी रेसिपीज़ पसंद हैं। अगर कोई रेसिपी आप चाहते हैं कि हम बनाएं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।